हम शुरू करने जा रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग कोर्स ऑफ कोरल ड्रॉ 2017। हम आपको पूरी डिटेल और इजी मेथड के साथ सिखाएंगे ताकि आप एक कामयाब ग्राफिक डिजाइनर बन सके। बनिए एक सक्सेसफुल ग्राफिक डिजाइनर। स्टे विद अस एंड लर्न ऑल अबाउट ग्राफिक्स। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मजीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज हम कोरल ड्रा 2017 शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो कोरल ड्रा का इंट्रोडक्शन के कोरल ड्रा है क्या। कोरल ड्रा वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम फ्लायर डिजाइन कर सकते हैं, ब्रोशर डिजाइन कर सकते हैं, लीफलेट डिजाइन कर सकते हैं, टेम्पलेट, बैनर, पैनाफ्लेक्स, बिजनेस कार्ड, वेडिंग कार्ड और लोगो डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी डिजाइनिंग के वर्क हम इसमें कर सकते हैं। अब हम नजर डालते हैं थोड़ा इसकी हिस्ट्री पर। तो कोरल ड्रा वॉज फाउंडेड बाय माइकल कॉपलैंड इन 1985 एज ए रिसर्च लेबोरेटरी विद द नेम ऑफ कोरल कॉर्पोरेशन। कोरल ड्रा को माइकल कॉपलैंड ने 1985 में रिसर्च लेबोरेटरी के तौर पर कोरल कॉर्पोरेशन के नाम से कायम किया। 1987 कोरल कॉर्पोरेशन हायर टू इंजीनियर माइकल बुलियन एंड पैट बाइनरी हु डिजाइन ए वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। कोरल कॉर्पोरेशन रिलीज्ड फर्स्ट वर्जन इन 1989 कोरल ड्रा 6। 1987 में कोरल कॉर्पोरेशन ने दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर माइकल बुलियन और पैट बाइनरी को हायर किया जिन्होंने वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर क्रिएट किया और कोरल कॉर्पोरेशन ने कोरल ड्रा का फर्स्ट वर्जन 1989 में कोरल ड्रा 6 के नाम से लॉन्च किया। इन 2000 कोरल बिकेम बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी इन कैनेडा और 2000 में कोरल कॉर्पोरेशन कैनेडा की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। आफ्टर दे रिलीज डिफरेंट वर्जन्स 9, 11, 12 और उसके बाद इनके 9, 11 और 12 वर्जन्स रिलीज हुए डिफरेंट टाइम में। आफ्टर कोरल ड्रा 12 दे रिलीज X3 और कोरल ड्रा 12 रिलीज करने के बाद इन्होंने 13 की बजाय X3 के नाम से कोरल ड्रा का नया वर्जन रिलीज किया 2006 में। उसके बाद X5 2010 में, X7 2014 में और X8 2016 में रिलीज किया गया और उसके बाद 2017 में कोरल ड्रा 2017 रिलीज किया गया जिस पे हम वर्कआउट करेंगे। ये कोरल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग है और नीचे इससे रिलेटेड डिटेल दी गई है। टाइप प्राइवेट इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग फाउंडेड बाय 1985 फाउंडर माइकल कॉपलैंड। इसके बाद अगर मैं इसमें सबसे नीचे आऊं तो नीचे यहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट दी हुई हैं जो कि कोरल कॉर्पोरेशन की मिल्कियत हैं। इनमें वर्ड परफेक्ट, कोरल ड्रॉ, विनविज, पेंट शॉप, आफ्टर शॉप प्रो, विन डीवीडी और पेंटर हैं, लेकिन इसमें से सबसे कामयाब प्रोडक्ट कोरल ड्रॉ है। कोरल ड्रॉ की हिस्ट्री बताने के बाद मैं आपको थोड़ी सी आउटलाइन बताऊंगी कि हम अपने सॉफ्टवेयर को किस तरह से सीखेंगे, किस तरतीब से हम अपने सॉफ्टवेयर को सीखना शुरू करेंगे। यहाँ जो आउटलाइन मैंने तैयार की है उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री है जो कि अपनी इस क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं आपको कोरल का तारुफ दे चुकी हूँ कि ये एक वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद अपनी दूसरी क्लास में मैं आपको वेलकम स्क्रीन और टेम्पलेट के बारे में बताऊंगी। जब हम कोरल ड्रा में वर्कआउट करने के लिए अपना पेज लेते हैं तो डायरेक्ट हमारा पेज हमारे सामने नहीं आता बल्कि एक वेलकम स्क्रीन हमारे सामने आती है और उसमें काफी सारे ऑप्शन हैं जिनको समझना जरूरी है और वही ऑप्शन मैं आपको दूसरी क्लास में बताऊंगी और साथ ये भी बताऊंगी कि अगर आप पहले से तैयारशुदा टेम्पलेट लेते हैं तो उनपे कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी तीसरी क्लास में मैं आपको इसके इंटरफेस के बारे में बताऊंगी कि इस टाइम यहाँ जो डिफरेंट ऑप्शन आपको इसके चारों तरफ नजर आ रहे हैं, टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट और राइट पे, वो ऑप्शन क्या हैं, उनसे हम कैसे काम ले सकते हैं, किस ऑप्शन का क्या नाम है और कौन सी चीज कहाँ पे मौजूद है। इंटरफेस के बारे में बताने के बाद मैं आपको अपनी फोर्थ क्लास में ये बताऊंगी कि हम कोरल ड्रा के थीम को अगर चेंज करना चाहें
तो कैसे कर सकते हैं? ये जो वर्किंग एरिया हमें नजर आ रहा है, इसमें जो कलर स्कीम आ रही है, अगर हम इसे चेंज करना चाहें और डिफरेंट कलर स्कीम के साथ वर्क करना चाहें, या इसकी डिफॉल्ट सेटिंग में कोई चेंजिंग करना चाहें, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद अपनी फिफ्थ क्लास में मैं आपको रास्टर और वेक्टर का फर्क बताऊंगी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कोरल ड्रा वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, तो इस पे बकायदा काम का आगाज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या चीज है और रास्टर क्या चीज है, क्योंकि बेसिकली ये एक वेक्टर डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, लेकिन कुछ हद तक आप इसमें रास्टर इमेज पे भी वर्कआउट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी सिक्स क्लास में मैं आपको कलर मोड के बारे में बताऊंगी, क्योंकि डिजाइनिंग बगैर कलरिंग के इम्पॉसिबल है। जब तक आप कलर नहीं लेंगी, आप कुछ भी डिजाइन नहीं कर सकती, और डिजाइनिंग के लिए डिफरेंट कलर मोड यूज होते हैं, CMYK और RGB, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये क्या है, CMYK क्या है, RGB क्या है, इनका क्या डिफरेंस है, और किस किस्म की फाइल के लिए हमें कौन सा कलर मोड सिलेक्ट करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ताकि जब हम काम के दौरान हमने कलर सिलेक्शन करनी हो तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि आपने कौन सा कलर मोड सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हम फ्लायर डिजाइन कर सकते हैं, लीफलेट, ब्रोशर, पंपलेट, बुकलेट और टेम्पलेट वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। तो अपनी सेवन्थ क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इनमें क्या डिफरेंस है, फ्लायर में, लीफलेट में, ब्रोशर में, ये एक्चुअल में क्या है। उसके बाद अपनी एट क्लास में मैं आपको स्टैंडर्ड बार के बारे में बताऊंगी। ये जो दरमियान में हमें बार नजर आ रही है, ये हमारी स्टैंडर्ड बार है। स्टैंडर्ड बार में काफी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, इसमें सेव करने से रिलेटेड ऑप्शन है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड ऑप्शन है, उसके अलावा कॉपी और पेस्ट से रिलेटेड ऑप्शन है। तो इन ऑप्शन का सीखना जरूरी है, ताकि जो काम आप करें आप उसे अच्छे तरीके से सेव कर सकें, उसे अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। इतनी आउटलाइन के बाद मजीद आउटलाइन मैंने इसलिए नहीं तैयार की, क्योंकि इसके बाद हम बकायदा तौर पर अपने सॉफ्टवेयर को सीखना शुरू करेंगे। वैसे तो ये तमाम ऑप्शन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो ऊपर पहले मैं आपको बताऊंगी, और इनका सीखना बहुत जरूरी है, और ये आप सबके सॉफ्टवेयर से ही रिलेटेड है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें से ये टूल बार में जितने टूल हैं, हम तरतीब के साथ अपनी नाइन्थ क्लास से अपने फर्स्ट टूल से शुरू करेंगे, और उसके बाद तमाम टूल को तरतीब के साथ सीखते जाएंगे, और जब हमारे टूल खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम मेन्यूज की तरफ आएंगे, और हर मेन्यू में मौजूद डिफरेंट ऑप्शन को हम डिटेल्स के साथ और तरतीब से सीखेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से कोरल ड्रा को सीख पाएंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।